बॉबी वो बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है। घर में भी खत्म हो गया है। अच्छा हाँ। अरे भगू बेटा अगरबत्ती खत्म हो गई है। अच्छा ये देखिए ये झाड़ू भी घिस गई है, मैं भी बबलू को भेज के मंगवा लेती हूँ। अरे नहीं 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 बच्चा है वो, उसको भेजने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा मैं ले आऊंगा। हाँ चार दिन से जो सामान मंगवा रही हूँ वो तो लाए नहीं आप, भूल जाते हैं रोज। हाँ बॉबी तो ऑफिस के 50 काम होते हैं, सब कुछ याद थोड़ी रहता है। हाँ भाई बड़े 50 काम हैं, आजकल कालिया साहब के घर की सब्जी भी लानी पड़ती है। हंसने वाली क्या बात है इसमें हा? पापा जी मैं रोज रोज सब्जी लेके नहीं जाता हूँ, वो जिस दिन आपने देखा था उस दिन कालिया साहब के लिए मैंने सब्जी ले ली थी, वैसे ऑफिस के बहुत काम होते हैं मेरे पास। तो फिर हनुमान जी से क्या कह दूं मैं कि मेरे बेटे को ऑफिस में बड़े काम है इसलिए मैं आज अगरबत्ती नहीं लगा सकता। रहने दीजिए ना पापा जी, मैं बबलू को भेज दूंगी। नहीं बेटा बबलू को भेज दो। अरे वो लड़की है तो क्या घर के सारे काम वही करती रहेगी? नहीं बेटा इसलिए कह रहे हैं कि बबली समझदार है, अभी तुम बबलू को भेजोगे तो एक चीज लाएंगे दो चीज भूल जाएंगे। एक काम कीजिए, ये बबलू बबली किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा मैं ले आऊंगा बस। ठीक है लेकिन भूल मत जाइएगा। हाँ नहीं भूलूंगा, पूरी लिस्ट बना लूंगा। ठीक है कमाल है, छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए उनको लिस्ट की जरूरत पड़ती है। खन्ना साहब को देखिए, उनको कभी भी कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डिंपू के मुंह से जो लिस्ट निकलती है ना उसे सीधे सीधे बाजार जाके लेके आते हैं वो। और मुझे भी इस भग्गू पे कोई भरोसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि मैं खुद ही बाजार चला जाऊँ और अगरबत्ती ले आऊँ। चना दाल घी बबलू के लिए, नई स्कूल ड्रेस और काहे की सूची बना रहे हो भगवान दास? शिवाय मैं ये पूछ रहा हूँ भगवान दास कि क्या सूची बना रहे हो? घर का सामान लाना है ना, क्या है हर बार भूल जाता हूँ तो मैंने सोचा कि लिस्ट ही बना लूं। अब जैसे ये देखो बबलू की स्कूल ड्रेस, चार दिन से भूल रहा था मैं। और बबली के लिए भी तो लानी है भगवान दास। नहीं 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 वो तो कॉलेज में चली गई ना, उसके लिए स्कूल ड्रेस क्यों लाऊं? हाँ पर कुछ तो लाना होगा। झाड़ू? क्या झाड़ू? तुम बबली को झाड़ू ला कर दोगे भगवान दास? नहीं नहीं मतलब तुम भी उन्हीं मनुष्यों में से हो जो ये सोचते हैं कि लड़कियां केवल घर के कामकाज के लिए होती हैं। भगवान दास लड़कियां मनुष्यों के पुण्यों का फल होती है। हाँ? भाग्यशाली होता है वो मनुष्य जिसके घर लड़की होती है, क्योंकि वो शक्ति होती है, वो लक्ष्मी होती है, वो ममता होती है। वो सब पता है मुझे भाई। तो उसे झाड़ू ला कर दोगे? अरे झाड़ू उसके लिए नहीं, झाड़ू बॉबी के मांगा। अरे वो भी बेटी है, एक नारी है भाई, वो मेरी बीवी है, उसने झाड़ू मंगवाया है क्योंकि झाड़ू घिस गई थी। अच्छा चलो बबली के लिए क्या ला रहे हो? कुछ नहीं। क्यों? हाँ मतलब जब बबलू को दे रहे हो तो बबली को क्यों नहीं भगवान दास? भाई बबलू को स्कूल ड्रेस की जरूरत है। ओ तो बबली के लिए भी कुछ ना कुछ लाना आवश्यक है भगवान। हाँ है पर तुम उन्हें पूरी करना जरूरी नहीं समझते। नहीं नहीं आवश्यक समझता हूँ मैं, अगले महीने बबली को जो चाहिए मैं लेकर आऊंगा। बेटी है मेरी जाएगी, यानी कि बबलू लड़का है तो अभी और बबली लड़की है तो अगले महीने। अरे यार कैसी बात कर रहे हो शिवाय, अगले महीने मतलब और तुम जानते हो कि मैं बबलू बबली में कोई फर्क नहीं करता, दोनों मेरे लिए बराबर है। मुझे ये भी याद है कि बबली को भी नए कपड़े दिलाने। जब उसको दिलाने ही है तो इसी महीने क्यों नहीं भगवान दास? अरे आम आदमी हूँ मैं भाई, ऐसे चलते फिरते सबकी फरमाइशें थोड़ी पूरी कर सकता हूँ भाई। पैसे जितने होंगे उस हिसाब से खर्च करूंगा ना, क्या तुम भी मतलब। अगरबत्ती अगरबत्ती ले आना भगवान दास, लिखना भूल गए हो। वाह अब आपकी फरमाइशें भी मैं ही पूरी करूंगा, है ना? ये मेरी फरमाइश नहीं है तो आत्माराम बेटे की फरमाइश है भगवान दास। अच्छा याद दिलाया शिवाय, देखो मैं भूल ही गया था, नहीं तो पापा जी इतना नाराज होते, एकदम बबलू जैसे ही हो गए हैं। मार कभी मार और मार, बबलू मार छिलेगा मार। अरे बबलू 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 मार बबलू, छोड़ दे, क्यों मार रहा है इसको? हाथी मोलने का लड़का है दीदी, हमेशा क्रिकेट खेलते समय ये हमारा बॉल छीन के भाग जाता है और कहीं भी फेंक देता है। तूने मुझे मारा ना, मैं अपने भाई को बताता हूँ। हाँ जा जा उसका बॉल मैं उसको भी ऐसे मारूंगा। लू शर्म नहीं आती तुझे मारपीट करते हुए? हमेशा मुझे ही डांटते हो, उसको भी बोलो ना, उसको भी डांटो ना। अच्छा तो भाई कौन है? तू है कि वो मेरा भाई है? हा? ये क्या हालत बना रखी है बबलू, है क्या हालत बना रखी है? चल घर चल चल, और तुम लोग भी चलो घर। बबलू बबलू अरे 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 शाबाश बबलू बेटा शाबाश, तेरे हाथों में तो बहुत ताकत आ गई।
हाथी मोहल्ले के लड़कों की तो तूने कुटाई कर दी, शाबाश। ये क्या, आपने इसको लड़ते हुए देखा? आपको उसको डांटना चाहिए, आप इसकी बढ़ाई कर रहे हैं। अरे बबली बेटा, अब ये लड़के नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? लड़कियां लड़ेंगी क्या? देखा, सुना सुना। चुप, सुना सुना। चल घर, तुझे तो मम्मी ठीक करेगी। ये लीजिए पापा जी। अरे बहू बेटा, ये भंगू कहाँ है? वो नहाने गए हैं। मम्मी मम्मी, देखो उसको, देखो इसे, ये बाहर खेलने जाता है कि लड़कों से लड़ने जाता है? बाहर एक लड़के को मार रहा था ये, पता है? मार रहा उसने एक लड़के को। क्यों क्यों ऐसा किया? हाँ बेटा, मारपीट करना बहुत बुरी बात होती है। वही तो, खन्ना साहब को देखो, वो कभी किसी से मारपीट नहीं करते। हाँ एक दो बार पिट के जरूर आए हैं, लेकिन कभी किसी को मारा नहीं उन्होंने। इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि उन्हें पावर ही नहीं है। मुझ में पावर है, मैं खन्ना अंकल को भी मार सकता हूँ। अच्छा, एक दूंगी ना भी लगा के। सुन, अगर पावर है तो सही जगह यूज करना। तुम बचाओगी मुझे? तुम लड़की हो लड़की, बस पावर के बारे में क्या जाने। अच्छा, ए बड़ी बहन से इस तरह से बात करते हैं? ये भी तो मेरी चुगली करती रहती है ना, यही काम होता है गर्ल्स का। चुगली नहीं कर रही, बता रही है वो मुझे, समझा? एक ही बात है, ये आप सबकी चमचागिरी करती रहती है, इसलिए आप इसे कुछ नहीं बोलते। दिन ब दिन इतना बदतमीज होता जा रहा है तू। आइंदा अगर किसी से मारपीट की है ना मोहल्ले में, तो याद रखना इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। अरे बहू बेटा, क्यों डांट रही हो उसको? क्या पापा जी, मैं समझाता हूँ। देख बबलू बेटा, लड़कों का ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन किसी कमजोर को मारना ये बहुत बुरी बात है। चाहे वो कमजोर मारे हाथ से बॉल छीन के भाग जाए। अरे बेटा, उसको समझाया तो जा सकता है ना। देखो मैं तुमको समझाता हूँ कि नहीं समझाता हूँ? मैंने आज तक किसी को मारा है? अरे आप क्या मारेंगे, अबे पावर भी है क्या? आप बुड्ढे हो गए बुड्ढे। बबलू, बड़ा बदतमीज हो रहा है तू। चल सॉरी बोल दादाजी को, इस तरह से बात करते दादाजी से? चल बोल सॉरी जल्दी। नहीं बोलूंगा। बोल सॉरी। नहीं बोलूंगा। आप भी तो गर्ल हो ना, आप सभी जलते हो बॉयज से, क्योंकि बॉयज बैठा होता है गर्ल से। मैं दादाजी को नहीं बोलूंगा सॉरी। ए बबलू, बबलू बबलू सुन, इतना सा बच्चा और इतनी होशियारी अभी से? हाँ ये आजकल के बच्चे भी ना। बबलू बबलू, तुझे दादाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, जा जाके सॉरी बोल। क्या? नहीं बोलूंगा। वो आदमी होके भी गर्ल्स का साथ क्यों देते हैं? वो सही कह रहे थे। गलत कह रहे थे? सही कह रहे थे। हर घर में लड़कियों को ज्यादा प्यार किया जाता है क्योंकि गर्ल्स कमजोर होते हैं ना। लड़कियां बॉयज से ज्यादा स्ट्रांग होती है, समझा ना? तो चल फाइट करते हैं। हेलो, स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि कुश्ती लड़ने लगो। देखा, डर गई डर गई डर गई। देखा ये बॉयज का पावर। पावर, एक बच्चे को क्या मार लिया, अपने आपको सुपरमैन समझ रहा है। मैं हूँ सुपरमैन, गर्ल्स की तरह भी नहीं हूँ और तुम्हारी तरह भी नहीं हूँ। मेरी तरह तो तू बन भी नहीं सकता है, समझा ना? मैं जैसी भी हूँ ना, तुझसे बेटर हूँ। गर्ल्स कभी बॉयज से बेटर नहीं हो सकता है। हेलो, हो सकती हैं और होती भी हैं। एटलीस्ट मैं तो तुझसे बेटर ही हूँ, कम से कम बड़ों से बदतमीज से बात तो नहीं करती हूँ। हमेशा दादाजी की चमचागिरी करती है, इसलिए लोग तेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, दादाजी भी जानते हैं कि मैं हूँ बेटर। अच्छा, अगर सच में पता करना है तो चल पापा के पास। चल कि कौन बेटर है। चल चल चल। पापा 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 पापा। अरे क्या हुआ पापा? हाँ हाँ, वही सुबह सुबह पापा को क्यों याद किया जा रहा है? क्या चाहिए दोनों को? फैसला। कैसा फैसला? इस बात का कि हम दोनों में से बेटर कौन है। कोई नहीं। हाँ? अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे लिए तो दोनों ही बेस्ट हो। नहीं नहीं पापा, नहीं। वैसे नहीं, ऐसे कि गर्ल ज्यादा बेस्ट होती है कि बॉयज। अब बेटा देखो। नहीं नहीं पापा, मतलब ये है कि आपकी नजर में मैं ज्यादा बेस्ट हूँ कि बबलू ज्यादा बेस्ट है? मैं हूँ, क्योंकि बॉयज ही बेस्ट चलते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बबलू। सुना, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं है बबली। देखा, पापा ने मना कर दिया, यानी मैं हूँ बेटर। अरे नहीं नहीं, देखो 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 देखो, मेरे लिए दोनों ही बेस्ट हो। और बबली तू बड़ी हो गई है, तू कहाँ बबलू के साथ झगड़ा कर रही है? वो बच्चा है। नहीं पापा, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, हमेशा कहता है कि मैं बेस्ट हूँ मैं बेस्ट हूँ। दो में से कोई एक बेटर होता ही है पापा, और वो मैं हूँ क्योंकि मैं बॉय हूँ। हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बॉय हूँ। बॉयज हमेशा बाहर खेलते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़कियाँ घर में रहती हैं, मम्मी पापा की हेल्प करती है ना पापा? हाँ वो है। देखा, ऐसा ही है, है
दादाजी पापा के साथ क्यों रहते हैं, रानी बुआ के घर क्यों नहीं रहते? उसमें क्या होता है अगर वो रानी बुआ के पास नहीं रहते हैं तो? रानी बुआ कितनी केयर करती है उनकी, घर में 4 बार कॉल करती है दिन में, है ना पापा, है ना? हाँ वो है। क्या पापा हर बात में हाँ हाँ कर रहे हैं, बोलो ना बबली दीदी बैठ जाएगी मैं। हाँ पापा आज ये फैसला हो ही जाना चाहिए कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या बबलू से। कालिया से है? ये कालिया साहब का फोन है। हेलो। हाँ हाँ कालिया सर। हाँ नहीं मैं बस घर से निकल ही गया, हाँ मीटिंग के टाइम तक पहुँच जाऊंगा। हाँ अच्छा हाँ, सुनो पापा। देखो बेटा कालिया सर का फोन आ गया, ऑफिस पहुँचूंगा तो बहुत डांटेंगे, देर हो रही है ना, इसके बारे में हम शाम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बॉबी जल्दी टिफिन दो। हाँ हाँ बाहर ले आओ। मैं बैठ हूँ, मैं बैठा हूँ, शाम को पता चल जाएगा कि कौन बैठ बोलता है, पता ही चल जाएगा। चल ईशा देर हो जाती है। तुमने उत्तर नहीं दिया भगवान दास। कौन सा उत्तर? तुमने कुछ पूछा था मुझसे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बबलू और बबली की बात कर रहा हूँ। उन दोनों ने तुमसे जो पूछा था कि हम दोनों में से तुम सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हो, यानी कि लड़का और लड़की में से कौन श्रेष्ठ? क्या जवाब दूं मैं इसका शिवाय? मतलब तुम समझ रहे हो ये बच्चे भी ना कितने मासूम की तरह सवाल पूछते हैं आपसे। पर उत्तर देना तो आवश्यक है भगवान दास। अच्छा ऐसा है, तो क्या उत्तर दूं बताओ तुम ही, कि मतलब दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अरे समझना चाहिए उसको, अरे लड़की है मुनिया। लड़की नहीं बच्ची है वो हमारी, और जब आप बेटे को बैट दिला रहे हैं तो वो भी तो जिद करेगी ना। अरे तो अब वो जाकर के लड़कों के बीच में क्रिकेट खेलेगी क्या? अरे समझाओ उसको है? ऐसे लड़कों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह उसकी जिद पूरी करते रहेंगे ना तो ससुराल जाके क्या करेगी? अरे कौन उसका इतना नखड़ा उठाएगा, समझते नहीं हो तुम? गुप्ता जी वो बच्ची है हमारी, और जब तक हमारे पास है उसकी इच्छाएं तो हम पूरी कर सकते हैं ना। आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलिए चुपे वैसे पूछवाती हूँ। हाँ चलो चलो पूछो। कैसे हैं? ठीक है चुपे भैया, आप बताइए कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है क्या? अरे चुपे भैया अब आप ही बताइए, मुनिया जो है बैट की जिद कर रही है, बैट की, अब वो लड़कों के साथ जाकर के बैट खेलेगी क्या बताइए? नहीं हाँ देखे देखे चुपे भैया हाँ कह रहे हैं, बैट ना सही तो गुड़िया सुड़िया तो दिलवा ही सकते हैं ना उसे। अच्छा बाबा ठीक है दिलवा देंगे, चलिए। अरे हमारी भी तो लड़की है, हमें ख्याल नहीं है क्या उसका? शायद एक बात बताओ यार, ये हमारे समाज में लड़कों के मामले में लड़कियों को कम आंका जाता है ना? सब ऐसा नहीं सोचते भगवान दास, वैसे तुम क्या सोचते हो? सच बताऊं तो कभी सोचा नहीं है इस बारे में। तो सोचो भगवान दास, शाम को तुम्हें दोनों बच्चों को उत्तर देना है। शाम में क्या भाई, मुझे अभी जवाब देना है। हाँ कालिया के पास जाना है वरना ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, वो तुम्हें गालियां देगा। सही है भगवान दास, लेकिन याद रखना बच्चों ने जो पूछा है तुमसे। बाय बाय। हाँ ठीक है, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भगवान दास कि तुम ऑफिस से लौट कर अपने बच्चों को क्या उत्तर देते। पापा जी लीजिए पानी पी लीजिए। अरे बबलू तो बच्चा है लेकिन आप तो बड़े हैं ना। वो बेटा बबलू की बात मेरे दिल पे लग गई है। वही तो, अरे बच्चे की बात भला कोई दिल पे लगाता है क्या? और आपने देखा ना मैंने उसको आपके सामने डांटा कि नहीं। हाँ वो बेटा मैं मानती हूँ कि बबलू ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, भले बात सही कह रहा था वो, लेकिन इस तरह से आपके मुंह पे नहीं कहना चाहिए था उसे। बहू बेटा वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो चाय की दुकान पे बैठे बैठे अपने पिताजी की कितनी बुराई करते हैं, लेकिन मजा ले उनकी कि उनके सामने कुछ बोले। अरे बहू बेटा देखिए पापा जी मैं समझ रही हूँ कि बबलू दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। अरे वैसे तो 25 कमियां हैं आप में, लेकिन हर बात पे क्या आपका मजाक उड़ाना जरूरी है? बहू बेटा एक बात बताओ, तुम हमारे साथ सहानुभूति जता रही हो, हमारा मजाक उड़ा रही हो? सहानुभूति जता रही हूँ पापा जी, अरे मजाक क्यों उड़ाऊंगी आपका? अब देखिए ये मैं पानी लेकर आई हूँ कि नहीं आपके लिए, तो फिर मुझे पता है कि बबलू की बात का बहुत गहरा सदमा लगा है आपको, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया कीजिए। मेरी वो सहेली है ना सुमन, उसके ससुर जी भी आपकी तरह छोटी छोटी बातें दिल पे लगा लेते थे, बहुत बुरा मान जाते थे और सोचते ही रहते थे। अब उन्होंने सोचना छोड़ दिया? नहीं दुनिया छोड़ दी, हार्ट अटैक आया और खटाक सीधा ऊपर। मम्मी
ये बबलू दिन पे दिन ना बहुत जिद्दी और बदतमीज होता जा रहा है। बड़े छोटे का लिहाज ही भूल चुका है बिल्कुल। वही तो, अभी मैंने उसे बोला कि दादाजी से चल के सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, माफी मांगने को तैयार नहीं है वो। वही तो। क्या वही तो मम्मी, अब जाके बोलो ना उसको, समझाओ कि वो अभी अभी यहाँ पे आए और दादाजी से माफी मांगे। वही तो। नहीं बबलू बेटा रहने दे, पापा जी बेचारे वैसे ही सदमे में है, कहीं बबलू ने फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो पापा जी तो। नहीं बेटा, मैंने उसको माफ कर दिया है भैया, उसको हमसे दूर ही रखो। दादाजी बबलू की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए उसे। सॉरी दादाजी। बबली बेटा कितनी अच्छी लड़की है, बेटा तुम दुखी क्यों होती हो, मैंने तो उसे माफ कर दिया। और बेटा कहीं दादा अपने पोते पोतियों से नाराज होते हैं। वही तो। समझाना पड़ेगा बबलू को, बदतमीज कहीं का। अस्थाना के ने मुझे इसलिए अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। गलत, कालिया सर तुम्हें इसलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, और थोड़ी सी खूबसूरत, लिटिल लिटिल ब्यूटीफुल, बस। अस्थाना मैं काम करती हूँ। एसी में बैठ के कंप्यूटर पर काम करती हो, अरे कभी हमारी तरह सड़क पे फील्ड वर्क करो, तब समझ में आएगा कितना पसीना बहता है, लॉट्स ऑफ स्वेटिंग। वाह अस्थाना, तुम्हारा काम काम और मेरा काम काम नहीं है, वो अलग बात है, मेरा फील्ड वर्क नहीं है, पर मैं ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ। तुम लड़कियाँ यही कर सकती हो, चेयर टेबल टाइप ऑफ वर्क। अरे छोड़ो ना अस्थाना, अरे कालिया साहब ने रोजी की तारीफ कर दी तो इसमें रोजी की क्या गलती है? जान जलती है मेरी मेहता साहब, जान जलती है। सारा दिन धूप में सड़कों पे घूम घूम के, सर्दी गर्मी बरसात सब हम झेलते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं, और तारीफ किसको मिलती है? लिपस्टिक और मेकअप करने वाली इन लड़कियों को। देखो अस्थाना ये गलत बात है, रोजी जी भी बहुत काम करती हैं और बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, इसलिए बॉस इनकी तारीफ करते हैं। लो भैया एक और भाई साहब आ गए, सुंदरता के पुजारी, लड़कियों के मसीहा, द गॉड ऑफ गर्ल्स। बस अस्थाना क्या बोले जा रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो तुम, इस तरह की बातें मत बोलो प्लीज। हाँ, करेक्ट करेक्ट, तुम तो रोजी की तरफदारी करोगे ही क्योंकि सड़क पे घूमकर फील्ड में तुमसे भी काम नहीं होता है, एक क्लाइंट तो है नहीं तुम्हारे पास, बस रोजी के साथ एसी में बैठ के कंप्यूटर पर कंप्यूटर गेम खेलो बस। बस प्ले देखा, ऐसे मर्दों के कारण हम लड़कियां तरक्की नहीं कर पाती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, गुस्से में कह दिया होगा, छोड़ो ना उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं, लड़की हो तो क्या किसी की भी कुछ भी बकवास सुनती रहूंगी मैं? यू टेल मी बीड़ी, लड़की होने के गुनाह है? लड़कियां क्या लड़कों से कुछ कम होती है? अरे बबली बेटा कहीं जा रही हो क्या? जी दादाजी, मेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा जरा जल्दी आ जाना। जी दादाजी। वाह, बबलू अंधेरा होने के बाद भी अगर बाहर खेलता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बबली को घर जल्दी लौट आना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, फिर चाहे वो आपको कितना भी प्यार करे, कितना भी सम्मान दे, लेकिन आखिर है तो वो लड़की ही। वो बेटा मेरे कहने का मतलब नहीं, खन्ना साहब को देखिए पापा जी, वो अपनी बेटी को कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं करते। अभी गर्मी की छुट्टियों में उनकी बेटी मनाली घूम कर आई थी अपनी सहेलियों के साथ। बेटा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे बबली की चिंता है, यही कहते हैं सब लोग। प्लीज मम्मी। अरे क्या बबली, मैं तेरी तरफदारी कर रही हूँ और तू है कि मुझे चुप करा रही है। दादाजी मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं बेटा मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो उसे जल्दी आने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब? बेटा मेरे कहने का मतलब ये था कि बबलू है ना, वो तो दिन भर बाहर खेलता रहा, तेरे पापा ऑफिस चले जाते हैं रात को देर से लौटते हैं, और तेरी मम्मी वो बेचारे दिन भर घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास टाइम ही नहीं। एक तू ही है जो कि घड़ी दो घड़ी मेरे पास बैठती है, बात करती है, इसलिए कह रहा। अब भाई बच्चियां तो होती ऐसी हैं कि घर में उनके रहने से रौनक रहती है। ठीक है दादाजी, मैं जल्दी से उसके से वापस आऊंगी, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी, बाय दादाजी। सुनो
सॉरी पापा जी। काहे कि सॉरी बेटा, अरे बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। अब क्या है कि तेरे ऊपर इतनी घर की जिम्मेदारियां हैं कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ। क्या जवाब दूंगा बच्चों को यार। एक काम करता हूँ, ये बच्चे जब सो जाएंगे ना तब घर जाता हूँ और सुबह इनके उठने के पहले ही ऑफिस निकल लूंगा। ये सही है गुरु, ये बेटर रहेगा। भगवान दास कहाँ? शिवाय, शिवाय यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान दास तुम्हें तो इस समय घर पर होना चाहिए, परेशान लग रहे हो। अच्छा फैसला नहीं कर पा रहे हो? क्या फैसला लूंगा यार, भरपूर कंफ्यूज हूँ मैं। क्यों? अरे क्यों क्या मतलब, कैसे अपने बच्चों को जो दोनों एक समान हैं, कैसे कहूं कि तुम अच्छे हो तुम नहीं हो? दोनों में मतलब भेदभाव कैसे कर सकता हूं मैं, जबकि दोनों मतलब दोनों ही तो मेरे लिए बेस्ट हैं। तो बस यही बात तो उन्हें बतानी है भगवान दास। कहा था मैंने, मानते थोड़ी हैं। शिवाय बड़ा देखो ना, मैं परेशान था और तुम आ गए तो मदद कर देते तो। थोड़ी सी क्या भगवान दास, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। पर हर बार की तरह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। हाँ वो कर लूंगा मैं, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा बताओ भगवान दास, तुम्हारे दोनों नेत्रों में से सबसे ज्यादा अच्छा नेत्र कौन सा है? ये अपना ये क्या सवाल हुआ यार, दोनों ही आंखें ठीक है मेरी। हाँ अलग बात है चश्मा लग गया है, पावर कम हो गया है, लेकिन दिखाई तो साफ साफ देता है दोनों से। भगवान दास निर्णय तुम्हें ही लेना है कि दोनों में से कौन अच्छा है, कोई एक अच्छा है या कोई एक बुरा, या दोनों अच्छे। समझ गया मैं भाई, समझ गया कि तुम मदद नहीं करना चाहते हो मेरी। बस मत करो मदद, जब तुम्हारे सामने ये समस्या आई थी तब तो तुमने मतलब हल निकाल लिया था ना, निर्णय लिया था ना कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में बेस्ट कौन है। तो तुम भी कर लो ना भगवान दास। अरे नहीं कर सकता हूँ भाई मैं, तुम भगवान हो क्या है? गणेश जी कार्तिकेय जी भगवान है, वो बात समझते हैं, ये मेरे बच्चे शैतान है, सुनने को तैयार नहीं है। एक को कहूंगा ना अच्छा तो दूसरे को बुरा लगेगा। इस बात का भय तो मुझे भी था भगवान दास। अच्छा एक सेकंड, देखो मतलब पूरी कहानी तो पता है गणेश जी कार्तिकेय जी की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान होने के बाद भी इन दोनों में कंपटीशन की भावना कहाँ से आ गई? थे तो दोनों बालक ही ना भगवान दास, और वो दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना चाहते थे। ये सब हुआ नारद मुनि के कारण। ये नारद मुनि ने किया? हाँ, एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर मेरे और पार्वती के समक्ष आए और साथ में लाए एक सुनहरा आम और कहा जो ये आम खाएगा वो बुद्धिमान न्याय प्रिय शांति प्रिय हो जाएगा, किंतु इस आम को कोई एक ही व्यक्ति खा सकता है। फिर नारायण 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 नारायण। प्रणाम महादेव। माता प्रणाम। देवऋषि ये कैसा अद्भुत फल है आपके हाथ में? माता ये एक सुनहरा फल आम है, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये एक अति विशेष फल है। जो भी इस फल को खाएगा वो न्याय प्रिय शांति प्रिय और अति बुद्धिमान होगा। किंतु माता इस फल को केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम देवर्षि। कितना सुंदर फल है पिताश्री, ये मुझे खाना है। नहीं नहीं मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। पुत्र ये फल कोई एक ही खा सकता है, तो कौन खाएगा? देवऋषि ये फल आप लाए हैं, शर्त आपने रखी है, तो इसका निर्णय भी आपको ही करना होगा। नारायण नारायण। माता साक्षात महादेव के होते हुए ये निर्णय यदि मैं करूं ये मुझे शोभा नहीं देता। निर्णय की अनुमति मैं आपको देता। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु ठीक है, तो दोनों पुत्रों में से
जो भी श्रेष्ठ होगा वही इस फल का सेवन करेगा। और दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये निर्णय तो स्वयं महादेव को लेना होगा। दोनों पुत्रों में जो श्रेष्ठ होगा वही इस फल को पाने का अधिकारी होगा। नारायण नारायण। देवऋषि, ये भी आप ही तय कीजिएगा, पर याद रखिएगा कि मेरे पुत्रों के साथ कोई भी गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण। महादेव, आपके दोनों पुत्रों में से जो भी इस संसार के तीन चक्कर लगाकर पहले वापस आ जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा और इस फल का अधिकारी भी। मैं ही जीतूंगा। मेरा वाहन मयूर है और गणेश का मुशक, ये तो कभी जीत ही नहीं सकता। कार्तिक, प्रतिस्पर्धा प्रातःकाल प्रारंभ होगी, आप दोनों जाकर तैयारियां कीजिए। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। महादेव, मुझे अब वैकुंठ जाना है, अब जो जीते उसे ये फल दे दीजिए और माता मुझे अनुमति दीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भूख लगी है मित्र, चलो ना, माता ने लड्डू बनाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपको भूख नहीं है? लड्डू का नाम सुनकर भी भूख नहीं है? नहीं। ऐसा क्या हो गया, इतने चिंतित क्यों हो? भ्राता कार्तिके, और मुझ में श्रेष्ठ का चुनाव होना है। जो संसार के पहले तीन चक्कर लगाएगा उसे वो सुनहरा आम खाने मिलेगा। सुनहरा आम मुझे भी खाना है। खाएंगे तब ना, जब जीतेंगे। भ्राता कार्तिके का वाहन पता है कौन है? मयूर। और हम उन्हें पराजित भी नहीं कर पाएंगे। आप तो इतने बुद्धिमान है, कोई उपाय सोचिए, कोई मार्ग निकालिए। मिल गया उपाय, अब विजय हमारी होगी। फिर सुबह प्रतिस्पर्धा का समय आया। दोनों ही बालक अपने अपने वाहनों के साथ तैयार थे और मैं और पार्वती ये जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन विजेता होगा। तो कौन होगा, मतलब ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई कि गणेश जी ही जीते थे। भगवान दास, तुम सबको ये इसीलिए पता है क्योंकि तुम सबने इस कथा को पढ़ रखा है या सुन रखा है। हाँ, हाँ। पर उस समय हम नहीं जानते थे कि कौन विजयी होगा, इसीलिए हम दोनों जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन विजेता बने। और फिर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। गणेश, जब तक तुम प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करोगे तब तक तो मैं इस संसार के तीन चक्कर लगाकर आ भी जाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। गणेश, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी है, जाओ और जाकर संसार के चक्कर लगाओ। जी माता। मुशकरा, चलो अब हमें ये प्रतिस्पर्धा जीतनी ही होगी। पुत्र, प्रतिस्पर्धा संसार के तीन चक्कर लगाने की थी। जी पिताश्री, मेरे लिए मेरा संसार, मेरी सृष्टि और मेरा सब कुछ आप है।
मेरे माता पिता त्रिलोक है, इसी आधार पर मैंने सिर्फ संसार ही नहीं पूरे तीनों लोकों में चक्कर लगाए। महादेव, इस फल का अधिकार पुत्र गणेश का ही है। हाँ देवी। पुत्र गणेश सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि होती है और उसी के आधार पर इस प्रतिस्पर्धा के विजेता तुम हो। तुम बुद्धिमान हो पुत्र। पिताश्री, आपने यह फल गणेश को दे दिया? हाँ पुत्र, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा का विजेता पुत्र गणेश है। किंतु ये कैसे संभव है? गणेश मूषक पर बैठकर इस संसार के तीन चक्कर कैसे लगा सकता है? पुत्र, तुमने शक्ति का प्रयोग किया और गणेश ने बुद्धि का। अर्थात? अर्थात ये, जब तुम यहां से गए तो गणेश ने संसार की जगह हमारी तीन परिक्रमाएं लगाई और हमसे कहा कि मेरे लिए तो आप ही संसार है, आप तीनों लोक। और इस प्रकार मैंने तीनों लोकों के तीन चक्कर लगाए। अब तुम ही निर्णय करो कार्तिके, कि हमारा निर्णय उचित है या अनुचित। उचित है माता, इस प्रतिस्पर्धा के विजेता गणेश है और इस सृष्टि में सदैव विजय उसी की होगी जो बुद्धिमान है। शिवाय, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये फैसला, मतलब ये सही था? सही था। मतलब गणेश जी चतुराई से नहीं जीते? हाँ बिल्कुल जीते थे। फिर भी फल उन्हें दिया, मतलब कार्तिकेय जी तो ही वेंट बाय द रूल ना, मतलब नियम के हिसाब से खेला भाई, संसार के तीन चक्कर लगाए तो नहीं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है भगवान दास, कि गणपति को विजेता इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा जीती थी? हाँ हाँ करेक्ट। सब यही सोचते हैं, कोई ये नहीं देखता कि गणपति ने कितना बड़ा कार्य किया था। ये तुम्हें नहीं पता? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ। क्या 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 क्या? मतलब गणपति ने माता पिता को एक विशेष स्थान दिया था त्रिलोक के ऊपर, संसार के ऊपर, और आज भी सब मनुष्य माँ बाप की पूजा करते हैं, माता पिता को भगवान के ऊपर स्थान देते हैं। और इन सब का श्रेय किसे जाता है? गणपति के प्रयास को। यार ये तो कभी सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए भगवान दास, अर्थ के पीछे के भावार्थ को समझना आवश्यक है। क्या बात कर रहे हो शिवाय तुम, अरे मतलब तुम भगवान हो भाई। चल ना यार, मतलब तुम भगवान हो, हम इंसान हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुविधाएं आती हैं, कई बार वैसी ही दुविधाएं भगवान के जीवन में भी आती हैं। कौन सी? कि अपने बच्चों में से कौन सा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, यह निर्णय लेने की दुविधा। लेकिन आज ये निर्णय तुम्हें लेना है भगवान दास। अब ये यही काम तो नहीं होगा मुझसे यार। कोशिश करो, हो सकता है हो जाए भगवान दास। क्या हो जाएगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। तो एक काम करो, सब कुछ समय पर छोड़ दो, समय बहुत बलवान है, सही समय पर लिया गया सही निर्णय एकदम सही होगा। बबलू, तुम मेरी चॉकलेट खा रहे हैं। बबलू मेरी चॉकलेट दे। बबलू मेरी चॉकलेट दे। बबलू मेरी चॉकलेट दे। बबलू मेरी चॉकलेट दे। बबलू चॉकलेट दे। गलत तो बैठा होती है ना बॉस से। अरे तो ले लो। अच्छा लो भाई, ये लो बबलू चॉकलेट दे। मेरी चॉकलेट दे। मेरी चॉकलेट दे। ये मम्मी देखो बाबी दीदी मुझे मार दिया। ए छोड़, तू पिट के रहेगा। क्या कर रही है तू? छोटे भाई को ऐसे मारते हैं क्या? देखो ना मेरी चॉकलेट खा ली, मेरे दोस्त ने दे दी आज मुझे। क्यों खाई तूने बबली की चॉकलेट? तुझे हम चॉकलेट नहीं देते क्या? हमेशा बबली के पीछे पड़ा रहता है, बड़ी बहन है ना तेरी। चल जा बाहर जाके खेल। कितनी मजेदार चॉकलेट थी, दोस्त को बनना और दे। जा जा, आज तो तू पिटके रहेगा। अरे बबलू तो बच्चा है, तू तो समझदार हो गई है ना। आप हमेशा मुझे ही बोलती हो। अरे बबली, ये बच्चे भी ना कमाल है।
अरे बबलू बेटा, इतना क्यों हंस रहा है? कोई जोक है तो मुझे भी सुनाना, मैं भी हंसूं। अरे दादी जी, आप तो सबसे बड़े जोक है। ये आप क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहा हूँ। ये तो गर्ल्स के काम होते हैं ना। अरे बेटा, अपने घर का काम करने में बुराई क्या है? इसमें गर्ल्स और बॉयज क्या होता है? आप गर्ल्स वाला काम करते हो इसलिए गर्ल्स ही बन गए हो। बॉयज बाहर काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं। बबलू बेटा, इसमें भी मेहनत लगती है, एक बार जरा करके तो देखो। नहीं दादी जी, मैं बॉय हूँ, ये सब नहीं करता, आप ही कीजिए। आप थोड़े दिन बाद ना मम्मी जैसा साड़ी पहनने लगोगे। बबलू, क्या है ये? तू किस तरह से बात कर रहा है दादा जी से? मैं तो सच ही बता रहा हूँ। एक थप्पड़ पड़ा ना तो सारा सच्चा झूठ निकल जाएगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगी? हाँ, मैं तुझे मारूंगी। बड़ी बहन हूँ तेरी, तू इतनी बदतमीजी करेगा दादा जी से? हमेशा झगड़ा करती हो, तुम मेरी बहन नहीं हो। और खान खोल कर सुन लो, गर्ल्स कभी बॉयज को मार नहीं सकते। बहुत बदतमीज हो तो जरा, अब मैं बताती हूँ तुझे मार। बबलू बेटा, लड़ो मत। बबलू जो आ रहे हैं। हाँ। या दू 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 या दू। भैया इसने ही मुझे मारा था। क्या बे, बच्चा देखकर रंगबाजी कर रहा है? क्यों मारा मेरे भाई को? वो हमारा बॉल छीन के भागता है। भैया ये कहता है मैं तेरे भाई को भी मारूंगा। अच्छा ले, मैं आ गया, मार। नहीं मारना, मार। मारना। अगली बार ना किसी को भी मारने से पहले तू 10 बार सोचेगा। तेरी लगी तो नहीं ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई को मारेगा तू? आंटी जी, बबली दीदी किसी को मार रही है। क्या है? ए, बबली, बबली, क्या कर रही है? हाथ लगाने की जान ले लूँगी आज तेरी मैं। छोड़, छोड़, क्या कर रही है तू? आज के बाद अगर इस मोहल्ले में गहना टांगे तोड़ दूंगी तेरी। निकल यहाँ से, छोड़। लगी तो नहीं ना कहीं? नहीं, कहीं नहीं लगी। पक्का? पक्का। क्या कर रही थी तू? हाँ, एक दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही है। अरे लड़कों के साथ मारपीट करती है। मम्मी, वो लड़का मुझे मार रहा था, दीदी मुझे बचाने आई थी और दीदी ने उस लड़के को मारा। वही तो, वही मैं सोचू कि बबली तो बिल्कुल सीधी है, वो कभी मारपीट करती नहीं। जरूर तूने ही कुछ किया होगा, तू ही कर रहा था ना मारपीट उनके साथ। किसी से मारपीट की ना मोहल्ले में तो याद रखना। क्या हुआ? देखिए ना, ये बबली मारपीट। मैंने सुन लिया। और बबली, मतलब एक लड़की होके तुमने लड़कों के साथ मारपीट की, मतलब बबलू को बचाया, ये कमाल बात है। इतनी ताकत आई कहाँ से तुम में? पापा, दीदी बहुत पावरफुल है। हाँ वो तो है। अरे हाँ, एक सेकंड, पावरफुल से याद आया, तुम लोगों ने सुबह एक सवाल किया था ना मुझसे, तो उसका जवाब भी तो देना है कि भाई दोनों में बेस्ट कौन है, ये बताओ। अच्छा। हाँ? दीदी बेटा रे पापा। अरे हमारा बबलू बेटा बेस्ट है। हाँ। बस मैं तो ये कहता हूँ दोनों बेस्ट है। हाँ। वही तो। और मैं तो ये कहता हूँ माँ बाप के लिए तो उसके बच्चे हमेशा ही बेस्ट होते। अच्छा भाई, तुम लोगों में से कोई ये बता सकता है कि तुम दोनों के हाथों में दाहिना हाथ बेस्ट है कि बाएं हाथ बेस्ट है? हाँ बताओ। नहीं ना, देखो लड़का या लड़की होने से कोई बेटर नहीं होता, बेटर होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से। अब जैसे बबलू को ही देखो, ये रेस में फर्स्ट आता है कि नहीं? वही तो। और बबली हमेशा क्लास में टॉप करती है, वैसे तू भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। और बबली बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तू तो अच्छे से खाता भी नहीं है, खाना बाहर गिराता है। वही तो, लेकिन लड़के भी अच्छे होते हैं। भाई हम तो एक बात जानते हैं कि लड़कियों में कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो लड़कों से अच्छे होते हैं। तो अब आ गई बात समझ में? हाँ पापा, अब बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया।
अरे बुद्धू यही कि कुछ चीजों में मैं तुझसे बेटर हूँ, कुछ चीजों में तू मुझसे बेटर है। इसका मतलब हम दोनों बेस्ट हैं। करे ट्यूबलाइट वही तो खन्ना साहब को देखो। अरे यार क्या देखो खन्ना साहब को, तुम्हारा बच्चा भी खन्ना साहब का नाम सुन सुन के पक गया है बॉबी। और बच्चों की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे तुम खन्ना साहब को ला रही हो, उनको बेस्ट बना रही हो। वही तो, आप ना सबको समझा सकते हैं लेकिन खुद नहीं समझते कभी। मैं तो समझाना चाह रही थी कि खन्ना साहब को देखो। अरे यार ए पूरी बात कर लेने दे मुझे। वो खन्ना साहब को देखिए, इतने अच्छे से तो वो भी अपने बच्चों को कभी नहीं समझाते जितनी अच्छी तरह से आप अपने बच्चों को समझा रहे। थैंक यू, मतलब वही तो। अच्छा भाई इसी बात पर आइसक्रीम हो जाए, बड़ी गर्मी हो रही। क्या खाएंगे बताइए? वेनिला स्ट्रॉबेरी। अरे स्ट्रॉबेरी वेनिला, स्ट्रॉबेरी वेनिला। अरे बस करो अब, लड़ो मत। अच्छा मैं तुम्हारे लिए वेनिला ले आऊंगा, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी, बस। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। लोग बच्चे भी ना कमाल कर दिया तुमने भगवान दास। अरे प्रभु क्या क्या कमाल कर दिया? जो तुमने अंदर फैसला लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे उसमें क्या है शिवाय, दो फ्लेवर की आइसक्रीम तो ला ही सकता हूँ मैं। मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ भगवान दास, तो जो तुमने अपने दोनों बच्चों को समझाया उसकी बात कर रहा। अच्छा वो मतलब तुमने तो वो कर दिखाया भगवान दास जो मैं भी नहीं कर पाया था। तुम नहीं कर पाए थे मतलब? मैं केवल अपने एक ही बच्चे को श्रेष्ठ साबित कर पाया था, पर तुमने अपने दोनों बच्चों को ये बता दिया कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अब शिवाय अब जो सही लगा मैंने वही किया है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बबली लड़की है बबलू लड़का है, मतलब मैं दोनों को ना एक जैसा ही मानता हूँ। पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं भगवान दास जिन्हें फर्क पड़ता है और वो जताते भी हैं। वो ये नहीं सोचते यदि वो लड़की को लड़के से कमजोर आंकेंगे तो लड़की का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, जबकि दोनों ही उनकी संतान है तो कमजोर कैसे हो सकते हैं भगवान दास। सही बात है, सही बात। और तुमने तो आज मिसाल कायम कर दी, अपने दोनों ही बच्चों को पूरा आत्मविश्वास दिया है। अब इतना कह ही रहे हो शिवाय तो थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूँ मैं कि हाँ हम आम आदमी भी कभी कभी कुछ खास कर जाते हैं। अब इसी बात पे आम के स्वाद वाली आइसक्रीम ले आओ भगवान दास। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो यार, एक ने स्ट्रॉबेरी मंगाया है एक ने वनीला मंगाया है, ये आम कहां से आ गया बीच में? पर मुझे आम के स्वाद वाली आइसक्रीम खानी है भगवान दास, मुझे वो आम बहुत पसंद है। हाँ सॉरी, तो वो सुनहरा आम लेके आऊं जो नारद जी ने दिया था? बहुत छेड़ते हो तुम भी। हाँ